हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम है काव्या और मैं आप सभी के लिए कहानियों के पिटारे में से एक कहानी लाई हूँ, जिसे लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। ये कहानी शरद चंद्र चटर्जी के संपूर्ण जीवन चरित्र पर आधारित है। शरद जी बांग्ला के प्रसिद्ध उपन्यासकार और लघु कथाकार हैं। ये बांग्ला में काफी लोकप्रिय हैं। इनकी कहानियां अधिकांश गांव की जीवन शैली पर आधारित है। इनकी प्रसिद्ध उपन्यास में चरित्रहीन परिणीता देवदास, जी हाँ आप लोग सही समझ रहे हैं, ये वही देवदास है जिस पर आधारित फिल्म बनी है, जिसका एक फेमस डायलॉग है, बाऊजी ने कहा गांव छोड़ दो, सबने कहा पारो छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, और आज तुमने कहा हवेली छोड़। एक दिन आएगा जब लोग कहेंगे कि दुनिया ही छोड़। तो चलिए आवारा मसीहा कहानी सुनते हैं मेरे नए अंदाज में। प्रथम पर्व, दिशाहार। किसी कारण स्कूल की आधी छुट्टी हो गई थी। घर लौटकर गांगुलियों के नवासे शरद ने अपने मामा सुरेंद्र से कहा, चलो पुराने बाग में घूम आए। उस समय खूब गर्मियां पड़ रही थी, फूल फल का कहीं पता नहीं था, लेकिन घनी छाया के नीचे निशब्द में समय काटता बहुत अच्छा लगता था। वह अब यहाँ से चले जाएगा, इस बात से शरद का मन बहुत भारी था, लेकिन कहता वह कुछ नहीं था। चुपचाप सुरेंद्र के साथ घर से निकल पड़ा। नाते में मामा और आयु में छोटा होने पर भी दोनों में धीरे धीरे मित्रता के बंधन गहराते गए। बाग में पहुंचकर पेड़ों के पास घूमते घूमते वह मानो मन ही मन उनसे विदा लेने लगा। शायद वह सोच रहा था कि अब वापस आना हो या ना हो। फिर जैसा कि उसका स्वभाव था, सहसा कूद कर एक पेड़ की डाल पर बैठ गया और बातें करने लगा। इन बातों का कोई अंत नहीं था, कोई सूत्र भी नहीं था। विदा के दुख को छिपाने के लिए ही मानो वह कुछ ना कुछ कहते रहना चाहता था। बोला, तू दुखी ना हो, हम फिर मिलेंगे, और बीच बीच में तो मैं आता ही रहूंगा। वो बोलता है, आओगे? क्यों नहीं आऊंगा। भागलपुर क्या मुझे कम अच्छा लगता है? घाट के टूटे स्तूप पर से गंगा में कूदने में कितना मजा आता है। उस पार वह जो झाऊ का वन है, उसे क्या भूल सकूंगा। वह मुझे पुकारेगा और मैं चलाऊंगा। फिर लंबी श्वास लेने के बाद बोला, ओह कितनी प्यारी जगह है ये भागलपुर, देख लेना मैं अवश्य आऊंगा। दो क्षण तक दोनों में से कोई नहीं बोला। फिर सहसा शरद ने कहा, पेड़ पर चढ़ना बड़ा जरूरी है, मान लो किसी वन में जा रहे हैं। संध्या का अंधकार फैल गया, चारों ओर से हिंसक पशुओं की आवाजें उठने लगी, तब यदि पेड़ पर चढ़ना न आया तो महाविपद हो जाएगा। सुरेंद्र ने पूछा, अगर गिर पड़े तो? शरद ने कहा, गिरेगा क्यों रे। वह और ऊपर चढ़ गया, एक कपड़े से कमर को पेड़ की एक मोटी शाखा से बांधा और लेट गया। बोला, इस तरह सोकर रात काटी जा सकती है। नाना के घर रहते शरद को लगभग 3 वर्ष हो गए थे। इससे पहले भी वह माँ के साथ कई बार आ चुका था। सबसे पहली बार उसकी माँ जब उसको लेकर आई थी, तो नाना नानियों ने उस पर धन और अलंकारों की वर्षा की थी। नाना केदारनाथ ने कमर में सोने की तगड़ी पहनाकर उसे गोद में उठाया था। उस परिवार में इस पीढ़ी का पहला लड़का था वो। लेकिन 3 वर्ष पहले का यह आना कुछ और ही तरह का था। उसके पिता मोतीलाल यायावर प्रकृति के स्वप्नदर्शी व्यक्ति थे। जीविका का कोई भी धंधा उन्हें कभी बांध कर नहीं रख सकता था। चारों ओर से लांछित होकर वह बार बार कामकाज की तलाश करते थे। नौकरी मिल भी जाती थी तो उनके शिल्पी मन और दासता के बंधन में कोई आमंजस्य न हो पाता। कुछ दिन उसमें मन लगाते, परंतु फिर एक दिन अचानक बड़े साहब से झगड़ कर उसे छोड़ बैठते और पढ़ने में व्यस्त हो जाते, या कविता करते, कहानी उपन्यास नाटक सभी कुछ लिखने का शौक था। चित्र कला में भी रुचि थी, सौंदर्य बोध भी कम नहीं था। सुंदर कलम में नया निब लगाकर बढ़िया कागज पर मोती जैसे अक्षरों में रचना आरंभ करते, परंतु आरंभ जितना महत्वपूर्ण होता, अंत होता उतना ही महत्वहीन। अंत की अनिवार्यता मानो उन्होंने कभी स्वीकार ही नहीं की, बीच में ही छोड़कर नई रचना आरंभ कर देते।
शायद उनका आदर्श बहुत ऊंचा होता था, या शायद अंत तक पहुंचने की क्षमता ही नहीं उनमें। वह कभी कोई रचना पूरी नहीं कर सके। एक बार बच्चों के लिए उन्होंने भारतवर्ष का एक विशाल मानचित्र तैयार करना आरंभ किया, परंतु तभी मन में एक प्रश्न जाग आया, क्या इस मानचित्र में हिमाचल की गरिमा का ठीक ठाक अंकन हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। बस फिर क्या था, किसी भी तरह वह काम आगे नहीं बढ़ सका। इस तरह मोतीलाल की सारी कला साधना व्यर्थता में ही सफल हुई। परिवार का भरण पोषण उनके लिए असंभव हो गया। यह देखकर शरद की माँ भुवन मोहिनी ने पहले तो पति को बहुत कुछ कहा सुना, फिर अपने पिता केदारनाथ से याचना की और एक दिन सबको लेकर भागलपुर चली गई। मोतीलाल एक बार फिर घर जवाई होकर रहने लगा। भागलपुर आने पर शरद को दुर्गाचरण ME स्कूल की छात्रवृत्ति क्लास में भर्ती कर दिया गया। नाना स्कूल में मंत्री थे, इसलिए बालक की शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई इसकी किसी ने खोज खबर नहीं की। अब तक उसने केवल बोधोदय ही पढ़ा था। यहाँ उसे पढ़ना पड़ा सीता वनवास चारु पाठ, सद्भाव सद्गुरु और प्रकांड व्याकरण। यह केवल पढ़ जाना ही नहीं था, बल्कि स्वयं पंडित जी के सामने खड़े होकर प्रतिदिन परीक्षा देना था। इसलिए यह बात निसंकोच कही जा सकती है कि बालक शरद का साहित्य से प्रथम परिचय आंसुओं के माध्यम से ही हुआ। उस समय वह सोच भी नहीं सकता था कि मनुष्य को दुख पहुंचाने के अलावा भी साहित्य का कोई उद्देश्य हो सकता है। लेकिन शीघ्र ही वह यह अवश्य समझ गया कि यह क्लास में बहुत पीछे है। यह बात वह सह नहीं सका था, इसलिए उसने परिश्रम पूर्ण पढ़ना आरंभ कर दिया और देखते देखते बहुतों को पीछे छोड़कर अच्छे बच्चों में गिना जाने लगा। नाना लोग कई भाई थे और संयुक्त परिवार में एक साथ रहते थे, इसलिए मामाओं और मौसियों की संख्या काफी थी। उनमें छोटे नाना अघोरनाथ का बेटा मणिन्द्र उसका सहपाठी था। उन दोनों को घर पढ़ाने के लिए नाना ने अक्षय पंडित को नियुक्त कर दिया था। वे मानो यमराज के सहोदय थे। मानते थे कि विद्या का निवास गुरु के डंडे में ही है, इसलिए बीच बीच में सिंह गर्जना के साथ साथ रुदन की करुणा ध्वनि भी सुनाई देती रहती थी। इस विद्याध्ययन के समय शरारत कम नहीं रहती थी। शरद यहाँ भी अग्रणी था। उस दिन तेल के दिए के चारों ओर बैठकर सब बच्चे पढ़ रहे थे और बरामदे में निवाड़ के पलंग पर लेटे हुए नाना सुन रहे थे। सहसा वे बोल उठे, क्यों पुराने पाठ याद कर रहे हो? आज नया पाठ नहीं पढ़ा क्या? नहीं, क्यों? पंडित जी नहीं आए, उन्हें बुखार आ गया था। बस नाना ने घर के सेवक मुसाई को पुकारा, मुसाई लालटेन जलाओ, पंडित जी को बुखार आ गया, देखने जाना है। वे स्कूल के मंत्री ही नहीं, समाज के नेता भी थे। मनुष्य के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसमें वे आदर्श माने जाते थे। उनके जाते ही शरद ने घोषणा की, कैट इज आउट, लेट माउस प्ले। और तुरंत ही समवेत गान का यह स्वर वहां गूंज उठा, डांस लिटिल बेबी डांस अप हाई, नेवर माउंट बेबी मदर इज नाई, क्रो एंड केपर केपर एंड क्रो, देयर लिटिल बेबी देयर यू गो, अप टू दी सीलिंग अप टू दी ग्राउंड, बैक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, राउंड एंड राउंड, डांस लिटिल बेबी डांस मदर विल सिंग, मेरिली मेरिली डिंग डिंग डिंग। एक उत्साहित बालक ने इस अंतिम पंक्ति का तुरंत हिंदी अनुवाद भी प्रस्तुत कर दिया, खुशी खुशी से ताक ढिना दी। एक दिन न जाने कहां से एक चमगादड़ बच्चों के सिर पर आकर मंडराने लगा। छोटा मामा देवी सोया पड़ा था, क्योंकि नाना भी सो गए थे। तब बाकी बच्चों का पढ़ना कैसे होता? चमगादड़ को देखकर मड़ी और शरद के हाथ खुजलाने लगे, लाठियां लेकर वे उसे पकड़ने दौड़े। फिर जो युद्ध मचा उसमें चमगादड़ तो जंगले में से होकर निकल गया, लेकिन लाठी दिए में जा लगी, चादर पर तेर फैल गया और दिया बुझ गया। यह देखकर मड़ी और शरद दोनों चुपचाप वहां से पलायन हो गए। नाना की आंख खुल गई, देखा घोर अंधकार फैला, पुकार उठे,
मुसाई मुसाई बत्ती क्यों बुझ गई? दिया सलाई जलाकर मुसाई ने देखा कि वहां न तो मड़ी है और ना ही सरत, केवल देवी गहरी नींद में सोया है। बोला, मड़ी और सरत तो खाना खाने गए हैं, देवी ने बत्ती गिरा दी है। इस अपराध की कोई क्षमा नहीं थी। केदारनाथ ने देवी का कान पकड़कर उठाया और मुसाई से कहा, इसे ले जाकर अस्तबल में बंद कर दो। अगले दिन मामा को प्रसन्न देखने के लिए गहरी रिश्वत देनी पड़ी, लेकिन देवी पर माँ सरस्वती की कम ही कृपा थी। शरद के बड़े मामा ठाकुरदास सभी बच्चों की शिक्षा की देखभाल करते थे। वे गांगुली परिवार के कट्टरता और कठोरता के सच्चे प्रतिनिधि थे। उस दिन क्या हुआ, मोतीलाल बच्चों को लेकर गंगा के किनारे घूम रहे थे। अचानक ठाकुरदास आ निकले। उनकी दृष्टि में ये अक्षम्य अपराध था। उन्होंने बच्चों को तुरंत परीक्षा के लिए प्रस्तुत होने का आदेश दिया। किसी तरह मड़ी और शरद तो मुक्ति पा गए, लेकिन देवी ने जगन्नाथ शब्द का संधि विक्षेप किया, जगन्नाथ। इस अपराध का दंड पीठ पर चाबुक खाना ही नहीं था, अस्तबल में बंद होना भी था। परंतु शरद पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था। यहाँ तक कि स्कूल में भी दुष्टता करने से वह नहीं चूकता था। अक्सर वहां की घड़ी समय से आगे चलने लगती। उसको ठीक करके चलाने का भार वैसे अक्षय पंडित पर था, लेकिन 2 घंटे खूब जमकर काम करने के बाद तंबाकू खाने की इच्छा को आना स्वाभाविक था। तब वे स्कूल के सेवक जगुआई की 5 साल में जा उपस्थित होते। इसी समय शरद की प्रेरणा से दूसरे छात्र उस घड़ी को 10 मिनट आगे कर देते। कई दिन तक जब उनकी चोरी नहीं पकड़ी गई तो साहस और बढ़ गया। वे घड़ी को आधा घंटा आगे करने लगे। इसके बाद कभी कभी 1 घंटा भी आगे हो जाती थी। उस दिन 3 का समय होने पर उसमें 4 बज रहे थे। अभिभावकों के मन में संदेह होने लगा, लेकिन पंडित जी ने उत्तर दिया, मैं स्वयं घड़ी की देखभाल करता हूँ। उत्तर उन्होंने दे दिया, लेकिन शंका उनके भी मन में थी, इसलिए उन्होंने चुपचाप इस रहस्य का पता लगाने का प्रयत्न किया। एक दिन 5 साल के असमय ही लौट आए। क्या देखते हैं कि बच्चे एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर घड़ी को आगे कर रहे हैं। बस वे गरज उठे और सब लड़कों को निमिष मात्र में वहां से भाग गए। और सब लड़के तो निमिष मात्र में ही वहां से भाग गए, लेकिन शरद भले लड़के का अभिनय करता हुआ बैठा रहा। पंडित जी यह कभी नहीं जान सके कि इस शरारत में सारे नाटक का निर्देशक वही है। उसने कहा, पंडित जी आपके पैर छूकर कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो मन लगाकर सवाल निकाल रहा था। उस समय की उसकी मुख भंगी देखकर कौन अविश्वास कर सकता था। अपने असीम साहस और समझ बूझ के कारण जिस प्रकार वह घर में मामा लोगों के दल का दलपति बन गया था, उसी प्रकार स्कूल के विद्यार्थियों के नेतृत्व का भार भी अनायास ही उसके कंधों पर आ गया था। उसके शौक भी बहुत थे, जैसे पशु पक्षी पालना, उपवन लगाना, लेकिन उनमें सबसे प्रमुख था तितली उद्यान। नाना रूप रंग की अनेक तितलियों को उसने काठ के बक्से में रखा था। बड़े यत्न से वह उनकी देखभाल करता था। उनकी रुचि के अनुसार भोजन की व्यवस्था होती थी। उनके युद्ध का प्रदर्शन भी होता था। उसी प्रदर्शन के कारण उसके सभी साथी उसकी सहायता करके अपने को धन्य मानते थे। उनमें न केवल परिवार का या दूसरे बड़े घरों के बालक थे, बल्कि घर के नौकरों के बच्चे भी थे। उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। ये बच्चे भी उसे प्रसन्न करके अपने को कृतार्थ अनुभव करते थे। अपने उपवन में उसने अनेक प्रकार के फूल गाछ और लता गुल्म लगाए थे। ऋतु के अनुसार जूही, बेला, चंद्रमल्लिका और गेंदा आदि कई प्रकार के फूल खिलते थे। दलपति सहित सभी बच्चे गदगद हो उठते। इस उपवन के बीच में गड्ढा खोदकर एक तलैया का निर्माण भी उसने किया था। उस पर टूटे शीशे का आवरण था। असाधारण वह उस पर मिट्टी लीप देता, परंतु कोई विशिष्ट व्यक्ति देखने आता तो मिट्टी हटाकर उसे चकित कर देता।
लेकिन ये सब कार्य उसे लुक छिपाकर करने पड़ते थे, क्योंकि नाना लोग इन्हें पसंद नहीं करते थे। उनकी मान्यता थी कि बच्चों को केवल पढ़ने का ही अधिकार है। प्यार, आदर और खेल से उनका जीवन नष्ट हो जाता है। सवेरे स्कूल जाने से पहले घर के बरामदे में उन्हें चिल्ला चिल्ला कर पढ़ना चाहिए, और संध्या को स्कूल से लौट कर रात के भोजन तक चंडी मंडप के दीवे के चारों ओर बैठकर पाठ का अभ्यास करना चाहिए। यही गुरुजनों की प्रीति पाने का गुण था। जो नियम तोड़ता था उसे आयु के अनुसार दंड दिया जाता था। कोई नहीं जानता था कि न जाने कब किसको घंटों तक एक पैर पर खड़े होकर आंसू बहाने पड़े। इस अनुशासन के बीच खेलने का अवकाश पाना बड़ा कठिन था, परंतु आंखों में धूल झोंकने की कला में शरद निपुण था। छात्रवृत्ति की परीक्षा पास आने के बाद जब वह अंग्रेजी स्कूल में भर्ती हुआ, तब भी उसकी प्रतिमा में जरा भी कमी नहीं हुई। गांगुली परिवार में पतंग उड़ाना वैसे ही वर्जित था जैसे शास्त्र में समुद्र यात्रा, परंतु शर्त था कि पतंग उड़ाना, लट्टू घुमाना, गोली और गुल्ली डंडा जैसे निषिद्ध खेल उसे बड़े प्रिय थे। नीले आकाश में नृत्य करती हुई उसकी पतंग को देखकर दल के दूसरे सदस्यों के हृदय नाच उठते। उसका मांझा विश्व विजयी था। वह ऐसा पेच मारता कि विरोधी की पतंग कटकर धरती पर आ गिरती। शून्य में लट्टू घुमाकर उसे हथेली पर ऐसे लपक लेता कि साथ ही मुग्ध हो रहते। बाग से फल चुरा लाने की कला में भी वह कम कुशल नहीं था। मालिक लोग संदेह करते, पेड़ पर लगे अमरूदों की गिनती भी वे रखते, लेकिन वे डाल डाल तो शरद पात पात। उसकी तीक्ष्ण बुद्धि के सामने मालिकों के सब उपाय व्यर्थ हो जाते। यदि कभी पकड़ा भी जाता तो वीरों की तरह दंड ग्रहण करता। कथा शिल्पी शरद चंद्र के सभी प्रसिद्ध पात्र देवदास, श्रीकांत, दुर्दांत राम और सव्यसाची इस कला में निष्ठात हैं। पता नहीं दुर्दांत राम की तरह उसकी कोई नारायणी भाभी थी या नहीं, पर निश्चय ही चोरी की शिकायत आने पर उसकी माँ ने उस कलमुहे को एक पैर पर खड़ा होने की सजा दी होगी, और उसने विरोध प्रकट करते हुए भी उसे स्वीकार कर लिया होगा। वह खिलाड़ी था, विद्रोही भी उसे कह सकते हैं, पर बदमाश वह किसी भी दृष्टि में नहीं था। भले ही तत्कालीन मापदंड के अनुसार उसे यह उपाधि मिली हो, पिता की तरह उसमें भी प्रचुर मात्रा में सौंदर्य बोध था। पढ़ने के कमरे को खूब सजा रखा था, चौकी और उस पर एक सुंदर सी तिपाई, एक बंद डेस्क और उसमें पुस्तकें, कापियां, कलम, दवात इत्यादि थे। उसकी पुस्तकें झकझक करती थी। कापियां वह स्वयं करीने से काट कर ऐसे तैयार करता था कि देखते ही बनता था। स्वभाव से ही वह अपरिग्रही था। दिन भर में वह जितनी गोलियां और लट्टू जीतता, संध्या को वह उन सबको छोटे बच्चों में बांट देता। देने में उसे मानो आनंद आता, लेकिन यह देने के अभिमान का आनंद नहीं था, वह था भार मुक्ति का आनंद। नींद और आहार पर भी उसे अधिकार था। बचपन से ही वह स्वल्पहारी था। बड़े होने पर कथा शिल्पी शरद चंद्र की बड़ी बहू सबसे अधिक इसलिए तो परेशान रहती थी। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते समय उसे अपने शरीर का बड़ा ध्यान रखता था। नाना के घर के उत्तर की ओर गंगा के ठीक ऊपर वह एक बहुत बड़ा और बदनाम घर था। कभी वहाँ एक बहुत बड़ा परिवार रहता था, परंतु संयोग से एक के बाद एक कई मृत्यु हो जाने पर वे लोग उसे छोड़कर चले गए। उसके बाद बहुत दिनों तक वह भूतवास बना रहा। अभिभावकों से छुपाकर इसी महल के आंगन में शरद ने कुश्ती लड़ने का अखाड़ा तैयार किया। गोला फेंकने के लिए गंगा के गर्भ से बड़े बड़े गोल पत्थर आ गए, लेकिन पैरेलल बार की व्यवस्था नहीं हो सकी। पैसे का अभाव जो था, बहुत सोच विचार का शरद ने आदेश दिया, बांस की बार तैयार की जाए। बस संध्या के छुटपुटे में चार पांच लड़के बांस काटने निकल पड़े। झाड़ झंखाड़ में रगड़ रगड़ कर हाथ पांव
लहूलुहान हो गए। पर दलपति की आज्ञा है कि उसी रात को पैरोल बार तैयार हो जानी चाहिए, और वह हुई। अगले दिन दोपहर तक सब लड़के उत्फुल्ल होकर उस पर झूलने लगे, लेकिन शोर मचाना वहां एकदम मना था। घर के लोग जान न ले, इसलिए लौटते समय वे सब प्राण रक्षा का मंत्र पढ़ते हुए लौटते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि गिर जाने के कारण एक बालक को चोट आ गई। उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी कल्पना कर लेना कष्ट साध्य नहीं है। उसका विश्वास था कि तैरने से शरीर बनता है। गंगा घर के समीप ही था, लेकिन कभी कभी रूठ कर दूर चली जाती थी। उस वर्ष ऐसा ही हुआ। बीच में छोटे छोटे ताल बन गए और उनमें लाल लाल जल भर गए। शरद उस लाल जल में स्नान करने का लोभ कैसे छोड़ सकता था। मड़ी मामा को साथ लेकर एक दिन वह उसमें कूद पड़ा, लेकिन उसका दुर्भाग्य उस दिन छोटे नाना अघोरनाथ असमय ही घर लौट आए। उन्होंने मड़ी को नहीं देखा तो पूछा, मड़ी कहाँ है? उस क्षण अघोरनाथ ने जो हुंकार किया उसे सुनकर सब डर गए। उनका यह डर अकारण नहीं था। जैसे ही दोनों बालक नहाकर खुशी खुशी घर लौटे, वैसे ही छोटे नाना सिंह के समान गर्जन करते हुए मड़ी पर टूट पड़े। घर की नारियों के बार बार बचाने पर भी उसकी जो दुर्गति हुई उसको ठीक होते होते 5-7 दिन लग गए, लेकिन शरद उस क्षण के बाद वहां नहीं दिखाई दिया। तीसरे दिन जब नाना फिर घोड़े पर सवार होकर काम पर चले गए, तभी वह दिखाई दिया। मामा लोगों ने अचानक उससे पूछा, तू कहाँ चला गया था रे? शरद ने उत्तर दिया, मैं गोदाम में था। क्या खाता था? वही जो तुम खाते थे। कौन देता था? छोटी नानी। जिस समय छोटे नाना मड़ी को मार रहे थे, उस समय छोटी नानी के परामर्श से शरद घर में जा चुका था। लेकिन उसे खेलने का जितना शौक था उतना ही पढ़ने का भी। वह केवल स्कूल की ही नहीं पुस्तकें पढ़ता था। पिता के संग्रहालय में जो भी पुस्तकें उसके हाथ लग जाती छिप कर उन्हें पढ़ डालता। वहीं से एक दिन उसके हाथ एक ऐसी पुस्तक लगी जिसमें दुनिया भर के विषयों की चर्चा थी। नाम था संसार कोश। विपद पड़ने पर गुरुजनों के दंड से कैसे मुक्ति पाई जाती है, इसका भी एक मंत्र उसमें लिखा था। अपने सभी साथियों को उसने यह मंत्र सिखा दिया। मंत्र था, ओम हू भू रक्षक रक्षक स्वाहा। तो दोस्तों, ये कहानी इतनी। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।